महिला सुरक्षा के दावे हो रही है हवा हवाई साबित। महिला सुरक्षा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं माऊ दरवाजा थाना पुलिस। छेड़छाड़ की शिकायत के बाद भी नहीं दर्ज किया मुकदमा, पीड़ित युवती भट रही न्याय पाने के लिए। मुकदमा दर्ज न होने पर पीड़ित ने जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह से दर्ज कराई शिकायत। युवती आमरीन का कहना है कि वो बहादुरगंज में रहती है, मोहल्ले का रहने वाला अमीर आए दिन उसके साथ छेड़छाड़ करता है। शौर्य से परेशान युवती ने जब थाना पुलिस से शिकायत की तो आरोपी ने उसके घर में घुस करके तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ घर में घुस करके छेड़छाड़ की। पुलिस से शिकायत करने पर बौखलाया आरोपी। पीड़ित युवती की शिकायत पर जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आरोपी ने घर में घुस करके की छेड़छाड़। पीड़ित को जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन, आरोपी के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई। कहाँ रहती हैं? कहाँ से आए आप? बहादुरगंज सराई से। थाना कौन सा लगता? थाना मऊ दरवाजा। मऊ दरवाजा। क्या क्या घटना रही आपके साथ? आमिर है, छेड़छाड़ी करते हैं हमारे साथ। आमिर कहाँ रहते हैं? आप ही के मोहल्ले में रहता है तो छेड़ाछाड़ी का मामला है। कब से कर रहा है ये? ये कब से कर रहा? आज करीब 10 तारीख को करा था, फिर 12 तारीख को तो उसने हाथ मार दिया था मेरे। आपके हाथ मार दिया था तो उसकी सूचना आपने थाने में दिवाली में दी थी, तो क्या कार्रवाई हुई? FIR दर्ज नहीं करी थी और जो है वो आया था, फिर 1 घंटे रहा और फिर चला गया। फिर हम शाम के टाइम बोल लिया, फिर हम किससे शाम के टाइम बोल लिया कि अब वक्त हमारे हमारा देखा कुछ। एक घंटे कहाँ पर रहा था वो? थाने में। अच्छा, पुलिस आई थी उसको उठा के ले गई थी, एक घंटे थाने में रहा वो। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद क्या रहा? फिर उसके बाद यहाँ उसकी चाली आ गई, फिर जो है 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद चला गया। फिर बोल दिया कि अब तो हमारे देखा हमारा कुछ भी नहीं हुआ और अब तुम्हें हम बताएंगे फिर से। तो आज आपकी मुलाकात डीएम साहब से हुई, क्या वार्ता रही, क्या कहा उन्होंने? क्या सब सही हो जाए कार्रवाई?